मैंने ये अच्छा नहीं किया। मुझे सिद्धार्थ के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। क्या तुम रिश्ते से खुश नहीं हो या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? इसे कितनी ठेस पहुंचाई है मैंने। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। क्या करूं? सिचुएशन को कैसे संभालूं? श्रेया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। देखो, एक पुरानी कहावत है, अगर खुद से परेशानी सुलझा ना सको तो दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। चाहो तो मुझे बता सकती हो। हैं? सर, मैंने उनके दिल को बहुत दुखाया है, उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, जबकि वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि मैं खुश रहूं, बहुत परवाह करते हैं मेरी। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं किसे धोखा दे रही, उन्हें या अपने आप को। एक्चुअली परवाह तो उसे तुम्हारी भी है, हमेशा हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है वो। एग्जैक्टली सर, फिर भी मैंने उन्हें कितना हर्ट किया। सच तो ये है कि मुझे रिश्तों के सही मायने ही नहीं पता। देखो श्रेया, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम जो करोगी सही करोगी, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सर, मैंने गलत किया है, मैंने सिद्धार्थ को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। उसे तकलीफ देने के लिए तो मैंने उसे शादी के लिए हाँ नहीं की थी ना। अरे वो उसकी मंगेतर तो दूर की बात, उसकी एक अच्छी दोस्त भी नहीं बन पाई मैं। अरे वो हाँ, वो बात है श्रेया, लेकिन मैं कह रहा था कि दया जो दया सर, मैंने उन्हें भी कितनी तकलीफ पहुंचाई है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम वो कर रही हो जो तुम्हारे दिल में नहीं है, जबकि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे दिल में है। अपने अपने दिल की आवाज सुनो, वही करो श्रेया जो तुम्हारा दिल कहता है, है? You're right, sir. मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगी। थैंक यू सर। तो बंटी की चीख है। अंकल, आप? अंकल नहीं बांझे, मामा, तुम्हारा प्यारा मामा, मेरे दुलारे भांजे बंटी। अच्छा, ए, कौन है? ए, सम्राट, ए, तुम, ए, ए, रुक जा। ए, फ्रेडी, छोड़ो आप। रुक जा। बच्चेलो, सब ठीक हो तुम लोग? कौन था अंकल? वो सम्राट अंकल हमला करने आए थे। अरे तेरी की कहा कर, अरे छोड़ो मुझे, कोई अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता, क्या करो? अरे ये तो मेरा सिक्का है, लेकिन यहाँ कैसे? ये तो गुम हो गया था, यही बोलने वाले थे ना तुम? ऐसे साहब, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपको मिला कहां से? रॉकस्टार टोनी के घर से मिला। ओह,
तो रॉक स्टार टोनी के घर में तो उसने चुराया था मेरा लक्की सिक्का। हाँ, मगर उसका लक खराब था, मार दिया तुमने उसे। क्यों साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। चुप! तुम रॉकस्टार टोनी के घर में गए और उसे मार डाला, मगर तुम्हारी बदकिस्मती ये सिक्का, तुम्हारा लकी सिक्का वहीं पे गिर गया। नहीं नहीं साहब, कौन है ये रॉकस्टार टोनी? मैं तो उसे जानता नहीं, और मैं किसी को क्यों मारूंगा? इसलिए क्योंकि युग के मरवाने में तुम्हारा ये हाथ है, और शायद ये किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन ये सिक्का इसी ने बता दिया। तो बताओ क्यों मारा तुमने रॉकस्टार टोनी को? ए लक्की सिक्के की कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, और मैं किसी को क्यों मारूंगा भाई? ऐसे नहीं मानोगे तुम। रेडी, ले जाओ इसे और उल्टा टांग दो। मैं बताता हूँ, किसी ने मुझे मारने के लिए बोला था साहब। मैंने कहा कि मैं खून नहीं करूँ, पर उसने कहा कि मैं रॉकस्टार टोनी को मार दूंगा तो बदले में मुझे बंटी दे देगी साहब। बंटी तुम्हें दे देगा, उसने कहा था? कौन है ये जिसने कहा था तुम्हें? कौन है ये, बता जल्दी। सिमरन साहब, दिया की सेक्रेटरी साहब। सिमरन? तो सिमरन के कहने पर तुम बंटी को मारने आए थे? नहीं 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 साहब, मैं अपनी जान दे दूंगा साहब, बंटी को कुछ नहीं होने दूंगा साहब, वो तो मेरा अन्नदाता है साहब, भाग्य विधाता। अच्छा, तो फिर तुम बंटी के कमरे में क्यों गए थे, इस छाते पे जहरीला डांट लगा के? नहीं 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 साहब, मैं उसे समझाने गया था साहब कि वो राजी हो जाए मेरे साथ रहने के लिए। जहरीले डांट से उसे मार कर समझाने वाले थे तुम? नहीं 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 साहब, ये जहरीला डांट नहीं था साहब, वो इसको लगाने से आदमी थोड़ी देर के लिए सो जाता है साहब। फिर मुझे ये था कि बंटी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चुपचाप उठा के साथ ले जाऊंगा सर, और बंटी की सारी जायदाद हड़प लूंगा। क्यों सर? मैं ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ सर, सुबह से शाम तक फोन आते हैं साहब कर्जदारों के कि मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे जान से मार देंगे सर। बंटी के मामा बनकर निकले थे ना तुम? हाँ फ्रेडी, ले जाओ इसे असली ठिकाने पर। सिमरन, अब कौन आ गया? जब जल्दी होती है तभी लोग आ जाते हैं। देखती हूँ। सिमरन दरवाजा खोलो। सीआईडी आ गई, कहीं ने मेरे बारे में सब पता तो नहीं चल गया? सर मेरी जान को खतरा है सर, और मैं जानता हूँ कि सीआईडी वाले ही मेरी जान बचा सकते हैं। ये हमला कब हुआ आप पे? आज ही हुआ ये हमला, लेकिन लेकिन इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है सर, मेरे घर तक पहुँच गए वो लोग। आप पर ये हमले कब से हो रहे हैं? जब से आप लोगों ने विशाल भाई साहब के केस की छानबीन शुरू की तब से। अच्छा, लेकिन क्यों क्यों कोई मारना चाहेगा आपको? पता नहीं सर, क्यों मारना चाहते हैं मुझे? लेकिन मुझे पता है, खूनी को लगता है कि तुम विशाल के खून के बारे में कुछ जानते हो जो उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। सिमरन दरवाजा खोलो। सिमरन, ये क्या? भाग श्रेया, वंश देखो, शायद यहां से अभी भी भागी है। देखिए, अगर आप विशाल के खून के बारे में हमसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, कुछ नहीं छिपा रहा मैं आप लोगों से, और इतना पिटने के बाद मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, कुछ नहीं होगा आपको, आप हमारी निगरानी में रहेंगे। सर, आला होटल की गेस्ट लिस्ट मिल गई है सर। गुड, देखते हैं इस विशाल के साथ कौन ठहरा था होटल आला में।
कि विशाल जब जब होटल में ठहरा था उस वक्त होटल में और कौन कौन से गेस्ट थे सबकी लिस्ट बना लेते हैं। हाँ सर, और उनके ठहरने की तारीख के साथ साथ उनके चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम भी नोट करना पड़ेगा। जी सर। यस। नहीं नहीं, जितने भी इंफॉर्मेशन है हम लोग सब कलेक्ट कर रहे हैं सर, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। मिस्टर केतन, पिछले छह महीनों में उसी वक्त होटल में आते थे जब विशाल आता था और उसी समय जाते थे जब विशाल जाता था। इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है विशाल की मौत से। लेकिन सर, इस केतन तक पहुंचेंगे कैसे? होटल आला में जाओ, पता करो इसके बारे में, जो भी जानकारी मिलती है निकालो। सर, ये केतन एक बिजनेसमैन है और अक्सर काम के सिलसिले में जब भी पुणे आते हैं तो हमारे होटल में आके रुकते हैं। और जब से विशाल ने आपके होटल में आना बंद किया है, मिस्टर केतन ने भी आना छोड़ दिया, राइट? जी सर, पिछले 3 महीने से तो यहाँ नहीं आए। अच्छा सर, केतन की फोटो मिल सकती है? सर फोटो? अरे आपके होटल में कोई आता है रहने के लिए तो आप उससे आईडी प्रूफ लेते हो ना, वो दिखाओ। ओके सर। ओह माय गॉड, सर ये तो बहरूपिया निकला। हाँ, ये वीर ही केतन है और इस होटल में ये नाम बदल कर आ रहा था। हो सकता है कि ये विशाल का पीछा कर रहा हो या फिर विशाल के साथ मिलकर कोई साजिश, और हमारे सामने शराफत का नाटक। बस एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं सर ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे इसे किसी बात का डर ही ना हो कि इस पर हमला होने वाला है। हाँ, गेस्ट हाउस में तो गिड़गिड़ा रहा था जैसे बाहर निकलते ही कोई से मार देगा। अगर ये सच बोल रहा है, खूनी इस पर हमला करने जरूर आएगा। सोचता हूँ मैं कभी बड़ा नहीं होता तो ऐसे ही किसी हॉस्टल में जिंदगी भर पढ़ता रहता, कितना अच्छा होता। बात तो ठीक है सर आपकी, लेकिन सर आपसे मुलाकात कैसे हो पाती? हाँ ये बात तो है, अरे मैंने सोचा ही नहीं। मेरी वाइफ का फोन है, तुम इधर ही रहना, मैं अभी आया। हेलो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, बाहर जाना है। फिर बाहर से आईडी वाले अंकल्स करेंगे, वो लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे और फिर मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकता। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। बंटी, मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। राहुल, राहुल नीचे पहुंच गया, पर मैं कैसे जाऊं? रेडी अंकल तो अभी तक नहीं है, ये कुल कर रहे अंकल को क्या कहूंगा? हे भगवान, कुछ तो करो।
अरे फ्रेडी सर, कहाँ रह गए आप? अभिजी से बात हुई ना, सब ठीक तो है? अरे वाइफ का फोन आया, ठीक कैसे हो सकता है सब कुछ? क्यों, क्या हुआ सर? क्या बताऊँ, वाइफ से बात करते करते मैं बाथरूम में चला गया, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, मैं अंदर अटक गया हूँ, जल्दी आओ। ओके सर, ओके, मैं अभी आता हूँ सर। राहुल, क्या हुआ? मुझे भेजकर इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूं, जैसे तू निकला मैंने देखा दरवाजे के बाहर फ्रेडी अंकल और करण अंकल खड़े हैं। बहुत मुश्किल से भाग के आया हूं। लेकिन जाना कहाँ है? चल बताता हूं, कुछ पता करना है तो चल। राहुल वहां से मत चल, वहां से कोई आ जाएगा, यहां से चल। तेरा माउथ। मेरा माउथ? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, बचाओ, बचाओ, मुझे बताओ, हेल्प मी, बचाओ, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बताओ, प्लीज। अच्छा वक्त पर आ गए। पुरानी आदत है, हम लोग हमेशा वक्त पे ही आते हैं। आपको जिसे खतरा था उसे पकड़ लिया हमने। अब आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया सर। हमें अभी भी इसका पीछा करना चाहिए। पीछा करेंगे पूर्वी, क्योंकि यही हमें खूनी तक लेके जाएगा। बंटी की सर, बंटी और राहुल कमरे में नहीं है क्या? हाँ सर, ये पेपर देखिए। बंटी मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। गए कहाँ ये दोनों भी? गया, सबसे पहले दोनों को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, फैल जाओ सब लोग। अरे सुनो, तुमने राहुल और बंटी को कहीं बाहर जाते हुए देखा? बंटी और राहुल अपने कमरे में नहीं है, तुमने बाहर जाते हुए देखा? राहुल और बंटी कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा, मुझे क्या मालूम। नहीं सर, नहीं देखा मैंने। नहीं देखा भाई साहब? नहीं, आपने राहुल और बंटी को देखा है क्या? नहीं। तो ढूंढो उन दोनों को, ढूंढो, देखो कहीं दिखते हैं क्या। मुझे नहीं पता। ओके सुनो, क्या तुमने दो बच्चों को भागते हुए देखा यहाँ से? कौन से बच्चे साहब? अरे तुम्हारे हॉस्टल के बच्चे राहुल और बंटी, ये देखो चिट्ठी छोड़कर गए वो। हाँ साहब, वो दोनों इधर दीवार कूद कर भागे। ये दीवार कूद कर भागे? हाँ साहब। तो तुमने रोका क्यों नहीं उनको? साहब मैंने रोकने की कोशिश की, जब तक मैं उनके पास पहुँचता वो लोग मेन रोड में पहुँच गए थे। कैसे वॉचमैन हो तुम, दो बच्चों को रोक नहीं सकते? अच्छा साहब लोगों को बताया तुमने? साहब मैं गेट में ड्यूटी पर हूँ, मैंने सोचा कि लंच ब्रेक में बता दूंगा। क्या इसने देखा उन दोनों बच्चों को भागते हुए, उस दीवार को कूद कर गए वो। राहुल यही वो घर है। बंटी तुम्हें पक्का तो यकीन है ना कि यही वो घर है? क्या हमें जाना है? लग तो यही रहा, चल चल कर देखते हैं। वीर जा कहाँ रहा है? देखते हैं, इसके चाल से तो लगता है ये कोई बड़ा कारनामा करने वाला है।
कहाँ गए ये राहुल और बंटी? सर, कहीं उन्हें कोई बहका के तो नहीं लेके गया? हो सकता है, लेकिन वो वॉचमैन तो कह रहा था कि उन्हें भागते हुए देखा, और फिर उन दोनों के साथ कोई भी नहीं था। इस ऑटो वाले से पूछते, अगर इस तरफ गए हो तो जरूर देखा होगा। हेलो, एक मिनट, ऑटो, ऑटो। यहाँ इस तरफ दो बच्चों को जाते हुए देखा तुमने? हाँ सर, इधर से भागते हुए आ रहे थे वो लोग, काफी घबराए हुए लग रहे थे। मेरा ऑटो रुकवाया और 12 नंबर लेन ले जाने को बोला मेरे से। क्या तुमने बच्चों को वहाँ पर छोड़ा? हाँ छोड़ा मैं। चलो देखो कहाँ पर है 12 नंबर। साहब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है अब। क्यों, क्यों फायदा नहीं है? सफेद कलर की एक बेंजी कार आई और एक मैडम उसमें बिठा के ले गई उन लोगों को। सफेद कलर की बेंजी? ये तो शनैया की गाड़ी है, तो शनैया के साथ गई है लोग, शनैया लेकर गई। भी नहीं। चलो अच्छा है, मेरा माल तो यहीं पड़ा है, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा है, अच्छा है। तुम ऐसे ही मेरे पास आते रहो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। वीर वाह, क्या कमाल का आइडिया निकाला है पैसे कमाने के लिए। वाह, अरे मेहनत करके तो इस जन्म क्या 10 जन्म तक भी इतनी कमाई नहीं कर सकता था तू। वाह, बस एक दो मोटे मोटे लोगों को फंसाओ और ऐश की जिंदगी गुजारो। वाह, कोई नहीं यहां तो कोई नहीं। मेरा वहम होगा, वहम होगा मेरा। सर गोली चलने की आवाज कहीं वीर पे तो गोली नहीं चली सर? आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने वो सफेद गाड़ी देखी है क्या। सर, इस आदमी ने गाड़ी को देखा है। किस तरफ गई हो सफेद गाड़ी? सर वो गाड़ी बहुत स्पीड में उस सुनसान रास्ते की तरफ गई थी। अच्छा, देखो गाड़ी में दो बच्चे थे, क्या देखा तुमने बच्चों को? वो मैंने नहीं देखा सर, गाड़ी बहुत स्पीड में थी। कोई बात नहीं, जल्दी लेट्स गो।
यहाँ पे तो गेट है और रास्ते में शनाई की कार ना हमने कहीं देखी और ना है यहाँ पर है। वही तो, गई कहाँ कार? क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर हाँ? अब तो सिर्फ ये एक घर बचा है। हाँ चलो चलकर देखते हैं। दया तुम और पंकज इस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाते हैं। सर CID अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। CID यहां कभी नहीं पहुंच पाएगी। दोनों को वहां भेज देंगे जहां तुम दोनों को होना चाहिए। राहुल चिंता मत कर, बहुत जल्द CID अंकल आ जाएंगे और पकड़ लेंगे इन लोगों को। अबे चुप, क्या CID लगा रखा है? CID वाले तोप है क्या? हैं? आ तोप है। तुम्हारा कभी नहीं करूंगा, गलती हुई सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। मैं जाऊं मैं। अच्छा मैं जाता हूं। हां कर रही थी। किसी के कहने पर किया? अच्छा, किसके कहने पर किया? वो अभी यहीं पे है। अच्छा सर, आप लोग टाइम पर आ गए। मैं आपसे बोलता नहीं था कि कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी जान के पीछे पड़ा है। ये है वो जो मुझे मारना चाहता है। अच्छा तो तुम हो इसके पीछे है? बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाली गोली भी चलाती है, है? Thank you.
रिया जी, अब हम तुम्हारा दिया जलाएंगे सीआईडी ब्यूरो में। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। बताओ क्यों अगवा किया तुमने राहुल और बंटी को? बंटी को मेरे बारे में सब पता चल गया था। मुझे डर था कहीं वो आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ बता रहा थे, और वो तो बंटी के साथ खुद ही मेरे जाल में फंस गया। क्यों बंटी बेटा, क्या शक हो गया था तुम्हें? हॉस्टल में देख रेख करने वाले रंगा पे, वो दिया आंटी के साथ ही था। मैंने दिया आंटी को फोन पे बात करते हुए सुना था रंगा से। देखो रंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, वो मेरा ही आदमी था, इसीलिए मैंने रंगा को कहा था कि वो किसी भी तरह बंटी को मेरे पास भिजवा दे। चल चल बंटी, जल्दी चल, अगर आज भी ट्यूशन के लिए लेट होगा ना टीचर बहुत डांटेगी। चल बंटी। रुक, बोलो क्या? बंटी बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी नहीं अंकल, जब ट्यूशन चाहूंगा तब बता देना। बंटी बेटा रुको, ये बहुत जरूरी बात है। जब से मैंने वो बात सुनी है मैं खुद बहुत परेशान हूँ, और अगर तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। नहीं अंकल, मैं परेशान नहीं होऊंगा, आज भी कोई नया रिश्तेदार मिलने आया होगा, है ना? बंटी वो बात नहीं है, दूसरी बात है। तुम्हारे ACP अंकल पर। क्या ACP अंकल को? क्या तुम्हारे ACP अंकल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। झूठ मत बोलो अंकल, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बंटी झूठ नहीं, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि उन पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। किससे सुना, कौन करने वाला है हमला? ये सब मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम दिया आंटी के पास जाओ, उन्हें सब मालूम है और वो भी बहुत परेशान है। ACP अंकल पर हमला कौन करने वाला है? मुझे पता लगाना होगा, दिया आंटी के पास जाना होगा। बंटी ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? थांगा ने मुझे मना किया था, उसने बोला था कि ये बात किसी से नहीं बताना, आप चले नहीं क्योंकि आपकी जान को खतरा है और वो कोई नहीं रोक पाएगा। फिर थैंक यू बेटा, लेकिन देखो बेटा आइंदा कभी भी कोई भी बात मुझे जरूर बताना। अब ये बताओ कि तुमने युग की जान क्यों ली? वो तो तुम्हारा पति था। और पति? किसका पति? वो तो बस मेरा पति होने का नाटक कर रहा था, मेरे टुकड़ों पर पलता था और पैसों के लिए मुझे ही मारने का प्लान बना रहा था। उस गद्दार को मारती नहीं और क्या करती मैं? जुर्म करने का नशा हो गया तुम्हें, ये सारा नशा उतर जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। ये तो किया ना जी, क्या बिगाड़ा था विशाल ने, उसकी जान क्यों ली? मैं तो उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे, पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं थी उसे। तो मार डाला विशाल, जरा भी सोचा नहीं उसके बेटे राहुल के बारे में? तो क्या करती, कितनी बार समझाया था मैंने उसे। उस दिन भी मैं विशाल को सिर्फ समझाने के लिए ही गई थी, पर उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपना आपा खो बैठी और वार कर दिया उसके सर पर। लेकिन वो बच गया, तुम्हें डर लगा कि तुम पकड़ी ना जाओ, इसलिए गोटिया से कह के ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवा दिया, है ना? और वीर की जान लेने की कोशिश क्यों की तुमने? जिस थाली में वो खाता था उसी में छेद कर रहा था, उसे मेरे और विशाल के बारे में सब पता चल गया था, तो वो विशाल को ब्लैकमेल करता रहा, और जब विशाल मारा गया तो वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठता रहा। मुझे डर था कि उसे ये पता चल गया है कि मैंने ये विशाल को मरवाया है। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, समझी? ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू अंकल, पर अंकल राहुल राहुल की चिंता मत करो बेटा, उसका ख्याल हम रखेंगे, बस तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे इंसान बनो। क्या हुआ अभिजीत, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? अरे यार वो
कुछ बात करनी थी तुम्हें वो श्रेया के बारे में. श्रेया के बारे वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं ठीक है. आई मीन है भी और नहीं भी है. है? इसका क्या मतलब? मतलब मैं उससे मिला था तो वो कह रही थी कि यार वो सिद्धार्थ बहुत नाराज है उससे. क्यों क्यों कुछ हुआ क्या? एक्चुअली क्या तुम इसके लिए खुश नहीं हो या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करनी. अब उसको लगता है कि तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ नाराज है उससे. मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए. मैं श्रेया से बात करूंगा. सर, आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? वो श्रेया, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी. मुझसे अकेले में? हाँ, एक्चुअली वो कुछ जरूरी बात थी. जरूरी बात के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? श्रेया, मेरी बात सुनो. कहिए ना सर, आप मेरे सीनियर, आपका हर ऑर्डर मुझे सुनना ही पड़ेगा. प्लीज श्रेया, अब ये शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है. मैं चाहता हूं कि तुम सिद्धार्थ को जाकर बता दो. सिद्धार्थ को क्या बताऊं और क्यों? क्योंकि श्रेया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ हो. आपकी वजह से? श्रेया देखो, हम दोनों को सच्चाई मालूम है और मैं चाहता कि तुम वो सिद्धार्थ को ही बता दो. क्या बताऊं सर, उस रिश्ते के बारे में जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? या खत्म कर दिया गया? मैं बस ये कहना चाहता हूं श्रेया कि देखो, तुम और सिद्धार्थ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो तो तुम सब कुछ उसे सच बता दो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो. बस डोंट वरी सर, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ. आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए. क्यों? परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है. किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से. दोस्त की हैसियत से? सर श्रेया, आप सच में चाहते हैं मैं सिद्धार्थ से जाकर बात करूं? हाँ श्रेया, बहुत खुशी का दिन.
क्योंकि आज से अर्जुन एसीपी सर के साथ रहेगा और हमारी सीआईडी टीम को अर्जुन जैसा प्यारा सा दोस्त मिल गया है। एक मिनट, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे एक परिवार मिल गया, एसीपी अंकल जैसे पापा मिल गए। एसीपी अंकल जैसे पापा नहीं, पापा ही। आज से मैं तुम्हारा पापा और तुम मेरे बेटे। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, आज से कहीं नहीं जाओगे। अरे रिश्ता, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है। नहीं तो खुशी के आंसू है। एक मिनट, इस मौके पर अब कुछ कट के रहेगा। डॉक्टर सर, आज भी आप कुछ काटने पीटने की बात कर रहे हैं? नहीं पंकज, हम आदमी ऐसे हैं, काटने पीटने की बात जरूर होगी और कुछ कटके जरूर रहेगा। मगर क्या, केक कटेगा और क्या। बंटी बेटा, आज से तुम पूरे सीआईडी परिवार के, हमारे, हम सब के, वेलकम टू सीआईडी परिवार। ये बताइए ना कि खुशी के मौके पे केक क्यों काटते हैं? वो इसलिए पंकज के खुशियां आती रहे, केक कटते रहे और सबके मुंह मीठे होते रहे। चलो डांस करेंगे। नहीं, नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.